नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड के करंट अफेयर से संबंधित एक कंप्लीट वीडियो, जिसकी बात मैं पहले कर चुका हूं, जो कि जनवरी से लेकर जून तक के यानी 6 मंथ को कवर करने वाला है। ये वीडियो उन लोगों को समर्पित है जो अब तक करंट अफेयर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाए हैं और वीडियो का एग्जाम उन्हें देना है, और ये उन लोगों को भी समर्पित है जो सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और करंट अफेयर तक उनकी पहुंच नहीं बढ़ पाई है और दूर दराज के क्षेत्रों में बैठे हुए हैं और एक ही सपना गाड़े हैं कि वो वीडियो बनेंगे। और जो आने वाला समय आपके पास है, बहुत महत्वपूर्ण समय है, रिवीजन का समय होता है, अधिक से अधिक बार रिवीजन करना होता है। इस महत्वपूर्ण समय को अपने हाथ से न जाने दें और बस एक प्रण करें कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के पग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर, पत्थर पानी बन जाता है मानव जब जोर लगाता है। इस धैर्य के साथ आपको रिवीजन करना है। चलिए फटाफट से 150 यानी 150 क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं और पूरे 6 महीने कवर करेंगे। थोड़ा स्पीड ज़्यादा रहेगी क्योंकि 6 महीने कवर एक साथ कराने हमने, और जिसको इसकी डिटेल चाहिए होगी वो मंथली वीडियोज़ में आपने देख लिए हैं और मंथली वीडियोज़ में जा सकते हैं। और जिनको जो लोग बार बार कह रहे हैं कि PDF की आवश्यकता है, तो देवभूमि IAS अकेडमी के ऐप में जा सकते हैं इसका, वहाँ से आपके जनवरी से लेकर जून तक का पूरा कंप्लीट वीडियो या PDF आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करता हूं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, अब वो सारे क्वेश्चन जिसमें मंथ का कोई दायरा नहीं है और बस पिछले 6 महीने के क्वेश्चन, ये हमें पता चला उत्तराखंड से संबंधित है। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था, जो कि बहुत पहले से लागू है 1874 से, को कब समाप्त किया है? तो अभी जनवरी 2023 में इसको समाप्त करने का निर्णय हुआ है कि जो राजस्व पुलिस व्यवस्था थी 1874 से जो लागू थी और उसे समाप्त कर दिया जाए। तो ध्यान रखना, राजस्व इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्व पुलिस व्यवस्था को कब समाप्त किया गया, तो जनवरी 2023। नेक्स्ट, उत्तराखंड में 30% महिला क्षेत्रीय आरक्षण, जो कि कुछ समय से विवादास्पद मामला चल रहा था, को राज्यपाल द्वारा कब, अंततः राज्यपाल द्वारा, उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई है? तो 10 जनवरी 2023 उत्तराखंड में 30% महिला क्षेत्रीय आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना कहां पर देश का पहला ऑल इज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनवा रही है? देश का पहला ऑल इज ऑल वेदर रनिंग होगा, ये होगा देहरादून के गढ़ी कैंट में। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में राज्य के किस जिले की प्रीति नेगी ने माउंट किलिमंजारो यानी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो रुद्रप्रयाग की है प्रीति नेगी और पर्वतारोही है और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर जाने का रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला वॉर मेमोरियल किस जिले में है? अगर ऐसा प्रश्न है तो देहरादून। कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज, कुमाऊं मंडल पूछा है, उत्तराखंड नहीं, के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण कहां किया जा रहा है? तो पिथौरागढ़ के विरथी फॉल के पास हो जा रहा है, जबकि उत्तराखंड का पहला होता तो ऋषिकेश होता, ऋषिकेश। उत्तराखंड का पहला ग्लास ब्रिज अगर पूछता है तो देहरादून के ऋषिकेश में, अगर कुमाऊं का पहला है तो ग्लास ब्रिज पिथौरागढ़ विरथी फॉल के पास। चलिए क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, उत्तराखंड के किस युवा को NCC में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया, यानी 26 जनवरी 2023 को NCC के उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु किस युवा को सम्मानित किया गया? तो सहवाग राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फिर से क्वेश्चन है इसी टाइप का, उत्तराखंड में किसे जनवरी 26 जनवरी 2023 को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा या गया है? 2023 है तो किया गया है, नितिन रावत जी को सम्मानित किया गया है 26 जनवरी 2023 को, गणतंत्र दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस आचार्य को पद्मश्री से सम्मानित किया, क्योंकि पद्म पुरस्कारों की घोषणा और पद्म पुरस्कारों को जो प्रदान किया जाता है 26 जनवरी को, उसमें डॉक्टर सुकामा भी हैं जिन्होंने हायर एजुकेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है पतंजलि योग विद्यापीठ में। वैसे मूलतः हरियाणा के हैं और लेकिन क्योंकि उत्तराखंड से इनका रिलेशन है कुछ न कुछ, इस वजह से प्रश्न बना है कि पद्मश्री 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर डॉक्टर सुकामा। नेक्स्ट, उत्तराखंड में नंदा देवी वीरता पुरस्कार 2022 कितनी महिलाओं को दिया गया है? इस पर बहुत सारी कन्फ्यूजन है, कभी कभी जो कमेंट्स आए रहते हैं उसमें ये भी पता चलता है, तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स YouTube से पढ़ते हैं या बहुत सारे चैनल से पढ़ते हैं या Google से पढ़ रहे होते हैं, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे होते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से आप उनको एक बार सेट कर लीजिए।
ये नंदा देवी वीरता पुरस्कार 2022 है जो 2023 में मिला हुआ। तो नंदा देवी, हाँ यहाँ पर गौरा देवी या तीलू रौतेली कुसनी या शैलेश मटियानी सब अलग अलग हैं, ये आंकड़े हैं जो आपको याद रखने हैं। तो नंदा देवी वीरता पुरस्कार 2022 10 महिलाओं को। नेक्स्ट है उत्तराखंड में तीलू रौतेली पुरस्कार 2022। देखो सेम क्वेश्चन था इसलिए मैंने सब दोनों को साथ सेट किया ताकि जो कन्फ्यूजन है क्लियर हो जाए। कितनी महिलाओं को और किशोरी को दिया गया, तो 12। तो अगर नंदा देवी हो तो 10 और तीलू रौतेली हो तो 12। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्टार्टअप जो कि वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और ऐसे लोगों को जो किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए अपने आप को स्टार्ट करना चाहते हैं या भारत सरकार की मदद से कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर अवसर दिया गया है। तो उत्तराखंड की 2 महिलाएँ यहाँ पर, 2 ये पूछा है कि उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप्स को, 2 ऐसे स्टार्टअप्स हैं उत्तराखंड में जिन्हें राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा सिद्धपीठ धारी देवी किस जिले में है, धारी देवी मंदिर पूछा गया है यहाँ पर, तो पौड़ी गढ़वा। हाल ही में पर्यावरण श्री पुरस्कार से किस उत्तराखंड के व्यक्ति को सम्मानित किया गया, पर्यावरण में जगत सिंह जंगली नाम से हैं, जगत सिंह चौधरी अब तक कई अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं, ग्रीन पर्यावरण पुरस्कार के नाम से भी उन्हें जाना जाता है या ग्रीन पर्यावरणविद भी कहा जाता है उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 से 14 फरवरी के बीच गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन गेम्स 2023 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है। तो ये ध्यान रखना, ये खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन गेम्स हैं और एक खेलो इंडिया युवा गेम अलग है जिनका आयोजन भोपाल और दिल्ली में हुआ है, इनका आयोजन हुआ है गुलमर्ग में और इसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान है पूछा, तो 7वां स्थान है उत्तराखंड का। कुल 16 पदक जीते हैं उत्तराखंड ने और जिसमें 6 स्वर्ण पदक, ध्यान रखना कि गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन गेम में उत्तराखंड के कुल कितने पदक हैं, तो 16 पदक और स्वर्ण 6 और स्थान 7वां है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव, राज्य स्तर के युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो देहरादून राजधानी में। राज्य के किस थाने को देश के सर्वोत्तम थानों में तृतीय स्थान हासिल हुआ है, तो बनबसा थाना उद्धम सिंह नगर का देश के 3 महत्वपूर्ण थानों में स्थान मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोशीमठ आपदा से प्रभावित परिवारों को स्थायी पुनर्वास किस स्थान पर दिए जाने का निर्णय लिया गया, मतलब जोशीमठ आपदा के दौरान जो पुनर्वास दिया जाएगा तो ये चमोली के पीपल कोटी में स्थापित किया जाएगा, उन्हें बसाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है, मतलब एयरपोर्ट तो है खैर लेकिन राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर इसे डेवलप किया जाना है और ये होगा पंतनगर। उत्तराखंड में एशिया के दूसरे और देश के पहले केवल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ऋषिकेश। ऋषिकेश में जो राम सेतु और लक्ष्मण सेतु है इनका अब इनोवेशन हो रहा है, इनमें कुछ नए चेंजेज आ रहे हैं, उसी से संबंधित क्वेश्चन था कि पहले केवल सस्पेंशन ब्रिज तो ऋषिकेश में हो रहा है इसका, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है देश की सर्वप्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया है, क्योंकि उत्तराखंड में हुआ है ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से ड्रोन द्वारा घर घर दवाइयां पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य, तो ये है उत्तराखंड। कोविड के दौरान जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी उसको मद्देनजर रखते हुए ये कदम उठाया गया है कि ड्रोन द्वारा घर घर दवाइयां पहुंचाई जाएंगी। उत्तराखंड सरकार ने देश का सख्त नकल विरोधी कानून 2023 कब लागू किया है, तो 11 फरवरी 2023, इसको भी ध्यान रखिएगा, करंट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून 2023 कब लागू हुआ है पूछे, तो 11 फरवरी 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है पूरे देश में, तो 3rd स्थान पर है, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर था इसमें, तो अमृत सरोवर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत उज्बेकिस्तान के मध्य संयुक्त अभ्यास डस्टलिक 2023, तो डस्टलिक 2023 किस किस के बीच है अगर पूछे, तो भारत उज्बेकिस्तान के बीच। इसका जो 4th संस्करण हुआ है इस बार वो 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 के बीच हुआ है, तो ये कहाँ पर हुआ है बताना आपने, तो पिथौरागढ़।
कुमाऊं के पिथौरागढ़ में, डस्ट लीग 2023, भारत और उज्बेकिस्तान, टाइम पीरियड लिखा हुआ है यहाँ, समय 20 फरवरी से 5 मार्च 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मुख्यमंत्री द्वारा सघन फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो सैलाकुई, वैसे भी उत्तराखंड का एकमात्र जड़ी बूटी शिटकुल कहते हैं हम इसे, तो सघन फसल उत्कृष्टता केंद्र यही डेवलप हुआ होगा, नेचुरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसकी बात कर रहा था मैं अभी, एक तो शीतकालीन गेम्स है, एक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 7, ये भोपाल और दिल्ली में जो आयोजित किए गए थे, टोटल 7 पदक जीते उत्तराखंड ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मुख्यमंत्री अंत्योदय, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है, तो ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से इसकी शुरुआत हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना पूरे भारत में चल रही है, भारत बजट 2023 के कंसेप्ट के तहत, को कब शुरू किया गया है, तो 16 फरवरी 2023 को शुरू किया गया है उत्तराखंड सरकार ने मिलेट मिशन योजना, इसमें मोटे अनाजों को के उत्पादन को बढ़ावा देने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय शिखर सम्मेलन 2023 में उत्तराखंड के किस पर्यटक स्थल को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया है, तो मुनस्यारी को, तो पर्वतीय शिखर सम्मेलन 2023 की बात हो रही है जिसमें मुनस्यारी को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में राज्य के कितने व्यक्ति को संगीत नाटक अकादमी, भारत सरकार जो पुरस्कार देती है उसमें उत्तराखंड के कितने लोगों को दिया गया, तो 4 लोगों, इसकी लिस्ट हमने फरवरी में पूरी रखी थी कौन कौन से थे वो लोग थे। चलिए नेक्स्ट है, राज्य की कितनी महिला सरपंच को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चयनित किया गया था, 2 महिलाएं थी, बागेश्वर और देहरादून की, ये हमने फरवरी के वीडियो में कवर किया था कि स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 उत्तराखंड की 2 महिलाओं को दिया गया और मूलतः एक बागेश्वर और एक देहरादून की निवासी थी। किस नदी पर गस्कू और मलघाट में 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों का उद्घाटन किया गया है, तो गस्कू और मलघाट पर 2 झूला पुल बनाए जा रहे हैं, तो किस नदी पर है, तो काली नदी पर। चलिए नेक्स्ट है, पिथौरागढ़ में था गस्कू और मलघाट, 20 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञानकोश योजना, ये नई योजना चली है 2023 की उत्तराखंड में, उत्तराखंड की सारी वीडियो से संबंधित हमने 2 वीडियो डाले हैं ताकि पूरा उत्तराखंड की योजनाओं का टॉपिक कवर हो जाए, तो ये 2023 की योजना है, तो मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञानकोश योजना की शुरुआत कब हुई है, तो 20 फरवरी 2023 को, तो इसकी डेट पूछिए आपने ध्यान रखना, मतलब 2023 की योजनाओं पर क्वेश्चन बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से उत्तराखंड के किन व्यक्तियों को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया है, तो डीआर पुरोहित, रामलाल भट्ट, ललित पोखरिया और भूपेश जोशी, चारों नाम है जिन्हें संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है, डॉक्टर सुकामा हो नहीं सकता, उनको पद्मश्री दिया गया था वैसे भी, और इसमें ये किसी तरह से नहीं होता, इसका हमने पढ़ लिया था, पद्मश्री पुरस्कार मिला है उन्हें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उत्तराखंड की किस महिला शिक्षिका को विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये है ममता पुरोहित, डॉक्टर ममता पुरोहित, बागेश्वर निवासी, राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में गणित के क्षेत्र में अहम योगदान हेतु बेस्ट एजुकेशनिस्ट टाइटल के साथ भारत गौरव अवार्ड उत्तराखंड के किस शिक्षक को, ये भी बागेश्वर के हरिमोहन ऐठानी जी, इन्हें बेस्ट भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व कविता दिवस यानी 21 मार्च को साहित्य और सामाजिक संस्था भावना कला और साहित्य फाउंडेशन द्वारा उत्तराखंड के किस व्यक्ति को काव्य शिरोमणि सम्मान दिया गया है, मतलब कौन सी संस्था देती है पता चला, कब देती है, तो यह है विनय पांडे जी, काव्य शिरोमणि सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 की मेजबानी निम्न में से कौन सा राज्य करेगा, तो यह है उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय खेल जो कि बात कर रहे थे हम 38वें राष्ट्रीय खेलों की, इससे पहले के जो 37वें राष्ट्रीय खेल हो रखे हैं वो गोवा में हो रखे हैं, और उत्तराखंड ओलंपिक संघ के महासचिव वर्तमान में डी के सिंह हैं, इनको भी कुछ ध्यान रखना है आपने, वर्तमान में उत्तराखंड ओलंपिक संघ की बात हो रही है, और 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए हैं, तो गोवा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड ओलंपिक खेलों उत्तराखंड ओलंपिक संघ की हल्द्वानी में मार्च 2023 में आयोजित बैठक की अध्यक्षता किसने की? अगर आता है तो पीटी उषा उड़नपरी के नाम से जाना जाता है जिन्हें। तो उत्तराखंड ओलंपिक संघ की हल्द्वानी में मार्च 2023 में आयोजित बैठक की अध्यक्षता किसने की? अगर इस टाइप का प्रश्न बने तो ये आपके दिमाग में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 यानी बजट और आर्थिक समीक्षा भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय पूछी है तो 2,33,000 रुपये उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय है, ये आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आंकड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में G20 बैठकों हेतु बजट 2023-24 में कितनी राशि का प्रावधान है? मतलब G20 की जो बैठकें होने वाली उत्तराखंड में तीन, उनमें से उनके लिए 100 करोड़ रुपये उत्तराखंड के बजट में प्रावधान रखा गया। उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार 2022-23 मतलब 22 का है 23 में मिला हुआ है, तो 17 शिक्षकों को मिला हुआ है। शैलेश मटियानी पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है और इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। इससे पहले यानी 2021-22 का लगभग 39 शिक्षकों को मिला था, 39 टीचर्स को, और इस बार 2022-23 का 17 शिक्षकों को दिया गया। ध्यान रखना पूरा डिटेल है हमारे पास, कब शुरुआत हुई, 2021-22 का किसको मिला और 22-23 का कितने लोगों को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हिमालयी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मापदंड में उत्तराखंड का स्थान कौन सा? अगर पूछे हिमालयी राज्यों की बात हो रही है, छठा हिमालयी राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों में होगी शिक्षा, और हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों में उत्तराखंड का स्थान है। तो मतलब हिमालयी राज्य होंगे और सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें छठा स्थान है उत्तराखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला स्थान भी लिखा हुआ है, सिक्किम पहले स्थान पर है, अच्छा सा प्रश्न था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का 7वां वार्षिक उद्यमता शिखर सम्मेलन उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए का आयोजन कहाँ किया गया? तो काशीपुर में हुआ है, अच्छा सा प्रश्न था। काशीपुर में 2023 का उद्यमता शिखर सम्मेलन हुआ है, वो भी 7वें नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1-7 मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव है, ध्यान रखना, का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात नहीं हो रही, योग महोत्सव की बात हो रही, जो 1-7 मार्च 2023 को हुआ है, तो ये हुआ ऋषिकेश। वैसे दोनों होता तो योग दिवस, योग नगरी कहते ऋषिकेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम आवास ग्रामीण योजना, कुछ क्वेश्चन जो पिछले 6-7 वीडियोज में डाटा को लेकर कुछ लोगों के आंसर मिले हुए थे, उसको भी बेस पाना है कि कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए। अधिक से अधिक प्रयास किया गया कि भाई कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, उसके बावजूद भी आपको पता है कि ह्यूमन एरर होता है, उसकी वजह से 1-2 क्वेश्चन मिस हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप। पीएम आवास ग्रामीण योजना में उत्तराखंड राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन से नंबर पर है? तो दूसरे। किसने राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया था और G20 सम्मेलन पर व्याख्यान दिया था? तो दिव्या ने, काफ़ी सुर्खियों में था ये रामनगर में, तो इस वजह से आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना, देखो एकल महिलाएं जिनका सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है और कोई सहारा नहीं है, उसके लिए एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो ये उत्तराखंड सरकार की योजना होगी जो एकल महिलाओं को सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की मानसी नेगी ने हाल ही में वॉक रेस में स्वर्ण पदक हासिल किया है, वह किस जिले की निवासी है? तो चमोली। कोई करंट से कोई क्वेश्चन उठता है अगर, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते, आपको रिवीजन करना पड़ेगा मतलब एग्जाम से पहले, एनी हाउ कैसे भी हो, चाहे आप वीडियो सुनो, कुछ भी करो, या उसका PDF पढ़ो, कैसे भी करो, तो क्वेश्चन करंट के क्वेश्चन की वजह से सिलेक्शन रुके तो ये आप कभी नहीं चाहेंगे, इसलिए आप कवर कीजिए। 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड की किस महिला ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर है प्रतिभा थपलियाल। 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप उत्तराखंड की प्रतिभा थपलियाल का संबंध किससे अगर आ जाए? किस राज्य ने देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर उत्तराखंड बनाने जा रहा है, पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक लैंडस्लाइड जो इंडेक्स है, कौन सा शहर शीर्ष पर उत्तराखंड में? तो रुद्रप्रयाग शीर्ष पर है अभी भूस्खलन सूचकांक में पूरे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 15 मार्च 2023 को 2022-23 के लिए उत्तराखंड का कितना बजट पेश किया गया है? उत्तराखंड सरकार का बजट कब पेश हुआ? तो डेट आई है यहाँ पर, तो 23-24 के लिए कितना बजट है? तो यहाँ पर आंसर है 77,000 करोड़ लगभग। उत्तराखंड बजट 2023-24 में पिछले वर्ष की अपेक्षा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 18% की वृद्धि हुई है इस बार पिछले बजट। चलिए नेक्स्ट,
मार्च 2023 में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? ध्यान रखना, मार्च 2023 में पूछा है, मतलब ये 2022 का है। तो 2022 में उत्तराखंड खेल रत्न किसको नहीं दिया गया था? तो मतलब क्या दिया गया था? द्रोणाचार्य पुरस्कार या लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। केवल दो ही खिलाड़ी होंगे इसका मतलब, क्योंकि 2022 का या 2023 में जो प्रदान किया गया उसमें खेल रत्न नहीं था। चलिए, ध्यान रखना है आपको करंट के मतलब करंट अफेयर के जो खेल वाला पार्ट है उसमें भी। मार्च 2023 में किस राज्य ने नई पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी दे दी है? तो उत्तराखंड, मतलब उत्तराखंड सरकार की जो नई पर्यटन नीति आ रही है वो मार्च 2023 में मंजूरी मिली है। चलिए, हाल ही में किस राज्य ने सौर ऊर्जा नीति 2023 को मंजूरी दी है? फिर से 2023 का सौर ऊर्जा नीति, तो उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023 28 से 30 मार्च 2023 के बीच राज्य की पहली G20 बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो रामनगर। अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न तो नहीं कि G20 की पहली बैठक कहाँ हुई, रामनगर, ये कॉमन क्वेश्चन हो चुका है, कोई भी जानता है, लेकिन कब हुई थी? तो 28 से 30 मार्च 2023 डेट आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लिखी गई नई पुस्तक विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक कौन है? तो रसना बिष्ट रावत जी अब तक कई किताब लिख चुके हैं विपिन रावत जी पर, तो इसलिए ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी, अंतर्राष्ट्रीय है केवल बाहर उत्तराखंड की नहीं है, का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है हरिद्वार में, मतलब देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी का नाम। वर्ष 2020 से 22 के लिए किस एकमात्र खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुरेश पांडे, उत्तराखंड से संबंधित हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से 22 के लिए। रेशम कीट बीमा योजना उत्तराखंड सरकार की द्वारा चलाई गई है 2023 में, भारत का पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड, रेशम कीट बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तराखंड अर्थ और संख्या निदेशालय के आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला, वैसे हमने उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय बताई 2,33,000, तो लेकिन सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला तो हरिद्वार माना जाए। हरिद्वार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 3,62,668, यानी ये 3,62,000 के आसपास है। उसके बाद चमोली 1,27,000 और रुद्रप्रयाग 93,000 सबसे कम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के नेशनल सैंपल सर्वे की ओर से जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार महंगाई के में उत्तराखंड देश में कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर, ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार चल रहा है, नेशनल सैंपल सर्वे की ओर से जो जारी आंकड़ा हुआ है, तो उत्तराखंड महंगाई के हिसाब से देश में चौथे स्थान पर, प्रथम स्थान पर तेलंगाना, ये आंकड़ा मार्च अप्रैल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पर्वतीय विकास शोध संस्थान द्वारा उत्तराखंड के किस पर्यावरणविद को अप्रैल 2023 में जामवंत सम्मान दिया गया है? पर्यावरण के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए किशन सिंह मलड़ा, इन्हें मिला है जामवंत सम्मान 2023। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है, इसका नाम क्या है? तो यह है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल उत्तराखंड के किस जिले में मिली है? तो पिथौरागढ़। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी चौथे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 के अनुसार सुरक्षित खान पान के मामले में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर है सातवें स्थान। कुछ आंकड़े जो इंडेक्स के रूप में हमारे सामने हैं पिछले 5-6 महीने में, वो सब भी यहाँ पर रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जो यहाँ पर यहाँ के स्वदेशी उत्पाद हैं, मतलब उनका पहला PMFME स्टोर, PM फर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फ्रूट प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज कौन से राज्य में खोला गया है? इसका आंसर है उत्तराखंड। शुरुआत नैनीताल से हुई है, लेकिन फिर देहरादून में भी इसका उत्पाद सेंटर खोला गया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा 2023 में पॉली हाउस बनाने के लिए कितना बजट पेश किया गया, यानी बजट में पॉली हाउस के लिए कितना पैसा है? तो 304 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कौन से जिले में अनाम प्रेम संस्था द्वारा ब्लाइंड क्रिकेट
टूर्नामेंट आयोजित किया गया था अभी, तो इसका आंसर है हरिद्वार में करवाया गया था ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट। ये संस्था थी अनाम तेन संस्था। पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है, तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में पशु संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, एनिमल हेल्थ। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ और संस्था विभाग या अर्थ और संख्या विभाग के 20 सूत्री कार्यक्रम के 24 अप्रैल को जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड के 13 जिलों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है, अगर तो टिहरी होगा, यानी उत्तराखंड के 13 जिलों में टिहरी प्रथम स्थान पर है। किसके अनुसार, तो 20 सूत्री कार्यक्रम जो अर्थ और संख्या विभाग का है उसमें उत्तराखंड के 13 जिलों की रैंकिंग में टिहरी पहले स्थान पर आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का पहला पहाड़ी जिला जिसके सभी राजस्व गांव अब नागरिक पुलिस क्षेत्र में शामिल कर लिए गए। हमने कहा कि राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त उत्तराखंड में जनवरी 2023 में, तो उसमें पहला जिला अगर पूछे तो चंपावत होगा, जहां पहला पहाड़ी जिला है जहां पर राजस्व गांव अब नागरिक पुलिस क्षेत्र में शामिल कर लिए गए। चलिए अच्छा सा प्रश्न था ये भी। उड़द की दाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़द की दाल से बनाया जा रहा मंदिर डांडा नागराज किस जिले में है। जनरल क्वेश्चन था क्योंकि वर्तमान में सुर्खियों में आया था, तो उत्तरकाशी का उड़द की दाल से बनाया रहा डांडा नागराज मंदिर। नागराज सेम मुखेम टिहरी का है और डांडा नागराज उत्तरकाशी का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले के 3 गांव नागनाथ बिरौड़, मुंगानाथ अद अणदना और आषाढ़नाथ गांव को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। ये टिहरी जिले के 3 गांव को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, कौन से हैं वो, तो ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में लक्ष्य से ज्यादा गुणवत्ता उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। मतलब प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में जिसमें लक्ष्य से ज्यादा गुणवत्ता वाले रोजगार देने के जिलों में पहले स्थान पर है उधमसिंह नगर, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही बहुत सारी वहां पर। शेखर पाठक को कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार किस पुस्तक हेतु दिया गया है, तो द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री ये किताब का नाम है, इसके लिए मिला हुआ है कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार, शेखर पाठक की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्थ में आयोजित यानी ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में ये वर्ल्ड ट्रांसप्लांट जो गेम हो रखे हैं उसमें उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। मतलब अगर ये प्रश्न पूछिए वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स कहाँ हुए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, तो उत्तराखंड का कौन खिलाड़ी गया था जो भाला फेंक था, तो हीरा दासपा, तो ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं उत्तराखंड के। तो इसको थोड़ा सा डिटेल भी यहाँ पर कि हीरा दासपा भाला फेंक में स्वर्ण पदक तो जीता ही है, ये तो ठीक ही है। इसके अलावा डीडी हार्ट के अभिनव पांगती ने बैडमिंटन में कांस्य पदक भी जीता है और भाला फेंक में रजत पदक भी जीता है। मतलब दो खिलाड़ी को याद रखना आपने, हीरा दासपा जो स्वर्ण पदक प्राप्त विजेता है मुंशियारी के, और डीडी हार्ट के अभिनव पांगती वो बैडमिंटन खेलते हैं, उनमें कांस्य और भाला फेंक में रजत पदक भी जीता है, तो बैडमिंटन और भाला फेंक दोनों खेलते हैं इसका मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स की शुरुआत कब हुई अगर पूछते हैं, तो आप कहेंगे 1978 में इंग्लैंड से हुई थी। इसके बारे में कि इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट माना जाता है जो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स फेडरेशन द्वारा हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। मतलब इसमें वो लोग भाग लेते हैं खासकर, या इसमें अंग प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ता, जीवित दाता आदि प्रतिभागी जो अंग प्रत्यारोपण करते हैं और जो लेते हैं वो सब भाग लेते हैं। चलिए अच्छा सा प्रश्न था, इंटरनेशनल, हाल ही में निधन कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का संबंध किस मंत्रालय से था, इनका निधन हुआ है चंदन रामदास जी का, वो उत्तराखंड में समाज कल्याण, परिवहन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत मंत्री थे, तो सभी होगा इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उत्तराखंड के सीमांत गांव के प्रवेश द्वार पर भारत के अंतिम गांव माणा के स्थान पर अब परिवहन बोर्ड ने कौन सा नाम लगा दिया है पूछा है। मतलब अब अंतिम गांव नहीं कहा जाएगा बल्कि पहला गांव कहा जाएगा, ये प्रश्न, तो ये ध्यान रखना, पहले गांव को बदले अब वहां पर, मतलब अंतिम गांव के बदले अब पहले गांव शब्द लिख दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में भारत में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है, तो 14वें स्थान पर होगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उत्तराखंड में पंगेसियस और तिलापिया मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु एक्वा पार्क स्थापित किया गया है, कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये सितारगंज। चलिए नेक्स्ट में हम लोग,
नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के नए प्रधानाचार्य कौन बनाए गए हैं? तो कर्नल भदौरिया निम के नए प्रधानाचार्य हैं। 1965 में स्थापना हुई थी निम की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने द्वारा हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र खोलने का निर्देश दिया गया है? तो इसका आंसर है चमोली में। चमोली में कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र खोलने का आदेश हुआ है, निर्देश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तराखंड के किस पर्यटन स्थल के फ्लोटिंग हट्स को सम्मानित किया गया है? तो टिहरी, जो टिहरी डैम में फ्लोटिंग हट्स हैं उन्हें सम्मानित किया गया है। ये अच्छा सा प्रश्न है। चलिए, पर्यटन को लेकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण अर्थात सहकारिता के मामले में प्रथम स्थान पर भारत का कौन सा राज्य रहा है? तो उत्तराखंड। किस संदर्भ में? सहकारी समिति के कंप्यूटरीकरण के मामले में, मतलब उनको डिजिटल करना है, ऑनलाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के प्रथम IFS अधिकारी स्वर्गीय निर्मल कुमार जोशी की याद में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित निर्मल कुमार जोशी वन्य जीव पुरस्कार 2023, क्योंकि IFS रहे थे, तो किसे दिया गया उत्तराखंड में? तो अभी वर्तमान में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे जी को यह पुरस्कार दिया गया है 2023 में, निर्मल कुमार जोशी सम्मान 2023। संपर्क फाउंडेशन की ओर से उत्तराखंड में 11 अप्रैल 2023 को स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत कहां से हुई है? तो चंपावत से। कब हुई है? 11 अप्रैल 2023 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक योजना। नेक्स्ट, 13 से 16 मई 2023 के मध्य उत्तराखंड के किस महत्वपूर्ण शहर में श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया था? मतलब उत्तराखंड में जो श्री अन्न महोत्सव हुआ है पूरे राष्ट्रीय लेवल का हुआ है, तो ये कब, इसकी डेट पूछ दिया अगर, तो 13 से 16 मई ध्यान रखना, जिसका शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनका शुभारंभ किसने किया था। तो ये हुआ कहाँ था अगर आता है? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। तो श्री अन्न महोत्सव देहरादून में हुआ है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने उसका उद्घाटन किया है, और वो हुआ कब है? 13 से 16 मई 2023। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, उत्तराखंड में हाल ही में किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया? तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया हुआ मंदिर बताना है आपने करंट का, तो यह रुद्रप्रयाग में स्थित तुंगनाथ मंदिर, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर मानते हैं हम इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से किसे नवाजा जाएगा या गया है? तो यह है विजय जड़दारी, विजय जड़दारी जिन्होंने उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। उत्तराखंड की किस महानुभूति को लंदन में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वह है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, साहित्य में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए। रमेश पोखरियाल निशंक को अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक संगोष्ठी में हिंदी हेतु भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये बात है 12 मई लंदन ब्रिटिश संसद में कब किया गया। अगर कर्मभूमि फाउंडेशन की ओर से प्रथम पंडित भैरवदत्त धूलिया पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? अच्छा सा प्रश्न है, पहला भैरवदत्त धूलिया पुरस्कार है, एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो और किस क्षेत्र में है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो पत्रकार जय सिंह रावत जी को ये पुरस्कार दिया गया 2023 में, पहली बार सुर्खियों में आया है पंडित भैरवदत्त धूलिया पुरस्कार। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन 2026 में उत्तराखंड के लिए कितनी सीटों का आवंटन हुआ है? वैसे उत्तराखंड में अभी 5 लोकसभा की और 3 राज्यसभा की सीटें हैं, अगर परिसीमन 2026 के बाद कितने हो जाएंगे? तो 11 हो जाएंगे, मतलब लोकसभा की 8 हो जाएंगी और राज्यसभा की 3 हो जाएंगी, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 168 हो जाएंगी। चलिए, मतलब 5 के बदले 3, 8 के बदले 11 लोकसभा की 100, जो यूपी की बात कर रहा है 168 टोटल हो जाएंगी, तो वहाँ पर लोकसभा की 121 और राज्यसभा की 47, यानी सबसे ज़्यादा होंगी इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के हिरोशिमा में मध्यम और लंबी रेस की अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता में उत्तराखंड की अंकिता ध्यानी का कौन सा स्थान रहा है? तो 5वां स्थान। अंकिता ध्यानी का संबंध किससे है? तो एथलीट है। अच्छा, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता में अभी फिलहाल अंकिता ध्यानी ने 5वां स्थान प्राप्त किया है, और इसका आयोजन 29 अप्रैल 2023 को जापान में हुआ। कहाँ की अंकिता ध्यानी? तो पौड़ी गढ़वाल की जयहरी खाल की और मेकड़ा गाँव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुक्कुट पालन योजना 2023-24 हेतु कुमाऊं के कितने जिले चयनित हुए हैं?
तो पांच जिले कुमाऊं के चयनित हुए, यानी कुमाऊं में टोटल छह जिले हैं, तो कौन सा जिला चयनित नहीं हुआ प्रश्न बन सकता है? तो उधमसिंह नगर है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, बागेश्वर है और चंपावत, मतलब पिथौरागढ़ नहीं है इसमें। कुक्कुट पालन योजना 2023-24, इससे पहले ये गढ़वाल में शुरू कर रखी थी, पांच जिले गढ़वाल के कवर कर रखे थे इसमें। 2022-23 में गढ़वाल के पांच जिले थे, तो कौन थे? तो देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी और हरिद्वार, ये पांच जिले। अब पांच जिले कुमाऊं के हैं पिथौरागढ़ छोड़कर। चलिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड में भूतपूर्व मंत्री तथा वर्तमान विधायक श्री बंसीधर भगत द्वारा सिडबी और हैदराबाद के समूह हाई एक्सेस लाइवलीवुड की साझेदारी से स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हल्द्वानी के छड़ायल में 10 मई 2023 को हुआ है। स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र, 100 ऐसे स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र बनने जाने पूरे भारत में, उसमें उत्तराखंड का सिडबी द्वारा देश के पांच राज्यों में 100 स्वावलंबन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उसकी वैसे वो पांच राज्य जिनमें होना है वो उसमें उत्तराखंड तो है ही, इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला GI बोर्ड किस राज्य में बनाया जाना प्रस्तावित है? तो उत्तराखंड। GI टैग प्रदान करेगा जो वहाँ के क्षेत्रीय उत्पादों को महत्व प्रदान करेगा, इसलिए राज्य आंदोलनकारी श्री सुशीला बलूनी का निधन कब हुआ है? तो 10 मई 2023 राज्य आंदोलनकारी, तो ये डेट भी आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। 5 साल की उम्र में 5 चोटियां फतह करने वाली उत्तराखंड की बाल पर्वतारोही नंदा देवी किस जिले से संबंधित है? तो नैनीताल की है बाल पर्वतारोही नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार द्वारा हल्द्वानी और देहरादून में ट्विन सिटी, हल्द्वानी में और देहरादून में ट्विन सिटी बनेंगे, सहसपुर और देहरादून में साइबर सिटी और के प्रस्ताव के साथ फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव कहाँ रखा गया है? तो नैनी सैनी पिथौरागढ़ में फिल्म सिटी बनेगा, ये प्रस्तावित है। बस आपको आंकड़े ध्यान रखने, इस बीच कोई भी चेंजेज हुए हैं तो। उत्तराखंड के निम्नलिखित आश्रमों में से किसे आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो डोल आश्रम अल्मोड़ा में स्थापित, ये आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में डेवलप किया जाएगा। हाल में उत्तराखंड में किसे फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड, तो इसका आंसर सही है इस बार ROC निशंक। पिछली बार इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक थी, इस वजह से हमने इसे कवर कर लिया है। मैंने कहा था कि जो ऐसे कुछ मिस्टेक या ह्यूमन एरर हैं वो सब कवर कर रखा है इस बार, तो पूरी प्रयास किया गया कि कोई मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित 5वीं यूथ एशियन चैंपियनशिप में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को 500 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता है? तो प्रियांशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में तितली महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो टिहरी गढ़वाल, तितली महोत्सव आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैणी सेना प्रोजेक्ट निम्न में से किससे संबंधित है? तो स्वच्छता के लिए वैणी सेना प्रोजेक्ट जो उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम कर रही है वर्तमान में, तो किससे संबंधित है? तो स्वच्छता। किस राज्य ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना की मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड। एक और योजना आई है 2023 की, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना। उद्देश्य क्या है? कि युवाओं को शिक्षित करना और उन्हें विदेशों में नौकरी पाने के लिए तैयार करना। क्या उद्देश्य अगर ऐसा पूछे कौशल उन्नयन का? नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, हाल ही में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकोन 2023 जिसे हम कह रहे हैं, इसका शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन पूरे राष्ट्रीय लेवल का है। हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान पर हिल शूटिंग एकेडमी का शुभारंभ हुआ है? तो श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल हिल शूटिंग एकेडमी स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आओ हम सब योग करें अभियान की शुरुआत उत्तराखंड के निम्नलिखित से किस जिले से हुई है? पूछे तो अल्मोड़ा से। हाल ही में उत्तराखंड के कौन से जिले में एस्ट्रो कैंप आयोजित किया गया है? तो चमोली में। बहुत सारे एस्ट्रो पार्क बन रहे हैं अभी फिलहाल। अच्छा, हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून से दिल्ली के बीच संचालित होने वाली ट्रेन, देहरादून से दिल्ली के बीच जो संचालित ट्रेन है उसका नाम क्या है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस। अच्छा, हाल ही में उत्तराखंड के किस उत्पाद को GI टैग के लिए नामित किया गया है? तो इसका आंसर है बाल मिठाई अल्मोड़ा की और आड़ू रामगढ़ का आड़ू, ये दो उत्पाद हैं जिन्हें राष्ट्रीय टैग मिल चुका है, GI टैग के लिए नामित किया गया है, ध्यान रखना। और इसमें जो रामगढ़ का आड़ू है ये काफ़ी फेमस है उत्तराखंड में। जमरानी बांध निर्माण में धारा 11 कब लगाई गई थी? चूँकि जमरानी बांध वर्तमान में उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। धारा 11 का मतलब था कि उस क्षेत्र में भूमि अर्जन वगैरह वर्तमान में
इस धारा लगाने के बाद कोई नहीं कर पाएगा। तो इसमें 24 दिसंबर 2021 में धारा लगाई गई थी। और क्या था इसका उद्देश्य? तो भूमि अर्जन हेतु भूमि अध्ययन करना, अधिनियम की धारा 11(1) में है, और प्रभावित परिवारों के बारे में अध्ययन करना, जो कि 1107 प्रभावित परिवार है वहाँ पर। तो जमरानी बांध निर्माण में कौन सी धारा लगाई गई है? तो धारा 11। वंदे मेट्रो ट्रेन द्वारा उत्तराखंड के किन दो महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने की योजना है? अब एक और वंदे मेट्रो ट्रेन चलने वाली है उत्तराखंड में, तो दो बड़े शहर काठगोदाम और देहरादून को जोड़ा जाएगा इसके तहत। ये योजना है, प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के प्रथम IFS अधिकारी स्वर्गीय निर्मल कुमार जोशी की याद में दिया जाने वाला ये क्वेश्चन आ चुका है। निर्मल कुमार जोशी सम्मान कौन था? तो डॉक्टर धीरज पांडे को, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 मई 1823 में कैप्टन यंग द्वारा मसूरी की स्थापना और 200 वर्षों के बाद ऐतिहासिक प्रमाणों का उल्लेख कहाँ से मिलता है? मतलब जो कैप्टन यंग ने 1823 में मसूरी की स्थापना की है, तो वर्तमान में वहाँ के ऐतिहासिक प्रमाण मिले हुए हैं, तो कहाँ से मिले हुए पूछा है? तो भद्राज की पहाड़ी, मसूरी मंदिर पर प्राप्त शिलालेख, मसूरी के मंदिर में जो शिलालेख मिले हैं उसमें भद्राज की पहाड़ी पर जो मसूरी मंदिर है उसमें पता चला कि हाँ कैप्टन यंग ने ही इसकी खोज की है। चूंकि वर्तमान में मामला सुर्खियों में था, इस वजह से क्वेश्चन उठा हुआ है। कर्मभूमि फाउंडेशन की ओर से प्रथम पंडित भैरवदा धूलिया पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो पत्रकार जय सिंह रावत। फिर से आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लखनऊ की मेयर नियुक्त की गई श्रीमती सुषमा खरकवाल का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? तो कोटद्वार पौड़ी की हैं और लखनऊ मेयर बनी हुई। कैंपा परियोजना के तहत उत्तर भारत के प्रथम ऑर्किड पार्क का उद्घाटन मई 2023 में कहाँ किया गया है? तो मंडल घाटी गोपेश्वर के खल्ला गांव में, उसका विलेज भी याद रखना आपको, खल्ला गांव गोपेश्वर मंडल घाटी करके आ रहा है। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद श्री अनिल बलूनी की सांसद निधि से उत्तराखंड में माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल संस्थान कहां बनाया जा रहा है? तो पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में स्नातक में एडमिशन प्रक्रिया हेतु किस पोर्टल के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों को जोड़ने की योजना है? तो समर्थ पोर्टल, समर्थ पोर्टल शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में बाल लिंगानुपात में कितना सुधार हुआ है? तो ये पूरी डिटेल है यहाँ पर बाल लिंगानुपात की, क्या क्या रहा है। तो फैक्ट के हिसाब से बाल लिंगानुपात में वर्तमान में अल्मोड़ा 1444 के साथ प्रथम स्थान पर है, नैनीताल और उद्धम सिंह नगर दूसरे तीसरे स्थान पर है। और इसमें सुधार, मतलब कितना सुधार हुआ है, तो 984 इसका बाल लिंगानुपात। और 11वीं जनगणना के अनुसार थोड़ा सा स्थिति खराब थी यहाँ पर बाल लिंगानुपात की, और जिसमें काफ़ी सुधार हो गया है। ये तो 11वीं जनगणना अपने आप में, सॉरी स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना और 2011 की जो जनगणना अपने आप एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, उसके आंकड़े के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पर बाल लिंगानुपात में उत्तराखंड में काफ़ी परिवर्तन आया है। चलिए आगे चलते हैं, श्री अन्न महोत्सव जो कि 13-16 मई के बीच हुआ है, तो उत्तराखंड में कहाँ हुआ था? ये हमने पढ़ा था, देहरादून में। अच्छा नेक्स्ट है, 5वीं खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड बड़े राज्यों में कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा 11वां। 5वीं खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट 2022-23, राज्य को 100 में से 39 अंक प्राप्त हुए हैं, और इस बार देश में केरल पहले स्थान पर है, ये आंकड़ा है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में देहरादून और हरिद्वार के बाद किस उप कारागार को मिनी इंडस्ट्री बनाने के लिए बंदी कल्याणकारी संस्था कार्य कर रही है? तो हल्द्वानी में एक नया उप कारागार बनने जा रहा है, किसके बाद? देहरादून और हरिद्वार के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम सूर्य मिशन अंतरिक्ष यान आदित्य L1 को सितंबर 2023 में भेजा जाना है, जिसमें इसरो के सपोर्ट सेल के रूप में किसी जिम्मेदारी सौंपी गई? तो एरीज, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, मनोरा पीक नैनीताल में जो है उसे सौंपा गया है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 और 23 से सम्मानित मेजर जनरल स्मिता देवरानी और अमिता देवरानी, ये कहाँ की हैं? तो पौड़ी गढ़वाल। चलिए 2022 और 23 का भी ध्यान रखना आपने, 29 जुलाई 2023 को उत्तराखंड के रामनगर में आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की मेजबानी किस रिजर्व को, टाइगर रिजर्व को सौंपी गई? तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। 1973 में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, और तब से लेकर आज 53 टाइगर रिजर्व की लिस्ट में कॉर्बेट नेशनल पार्क को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है।
और 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस होता है। पहली बार 29 जुलाई 2010 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आयोजित किया गया था और भारत में बाघों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। और उस रिपोर्ट के मुताबिक ये तय हुआ कि लगातार आज भारत में बाघों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड 2022 से कुमाऊं की किस नर्स को सम्मानित किया गया है? तो मंजू कैड़ा रुद्रपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 लोगों को सम्मानित किया है कुल मिला के उत्तराखंड। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2023 द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वनाग्नि के मामले में उत्तराखंड हिमालयी राज्य में कौन से स्थान पर है, मतलब वनों में आग लगने के मामले में तो पहले स्थान पर है, वो भी केवल उत्तराखंड हिमालयी राज्य की बात हो रही, ध्यान रखना। वैसे भारतवर्ष में 2021 में छठा स्थान, भारत में स्थान 2021 में उत्तराखंड का छठा था, लेकिन हिमालयी राज्य में पहले स्थान पर है और 2022 में 7वें स्थान पर है। चलो, हाल ही में मुख्यमंत्री धामी ने कोशिया कुटोली तहसील का नाम क्या रखने की योजना बनाई है? तो बाबा नीम करौली के नाम से 15 जून 2023 में घटना है, तो कैंची धाम। हाल ही में सीएम धामी ने वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां किया है? तो ये टिहरी में बनने जा रहा है वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र। उत्तराखंड के किस शहर में G20 की तीसरी बैठक का आयोजन 26 जून 2023 ये हो रहा है अभी उत्तराखंड में तो किया जा रहा है? तो नरेंद्र नगर, टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर में। पहली बैठक मार्च में हो रखी है और दूसरी बैठक मई में हो रखी है, रामनगर और ऋषिकेश। तो कुछ आंकड़े यहां पर भी, श्रीनगर भी हैं क्योंकि उसके बदले यहां पर नरेंद्र नगर में ये आयोजन हुआ है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर उत्तराखंड के किस गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो दो गांव हैं यहाँ पर, चौपड़ियाल गांव और जरधार गांव, टेहरी गढ़वाल के दो टेहरी गढ़वाल के गांव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन कहाँ आयोजित किया गया है उत्तराखंड में? तो इसका मतलब है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के कहाँ? चौबटिया में 11 से 24 जून को किया गया है और इसका नाम है एक्वेरिन भारत और मालदीव। उत्तराखंड के किस स्थान पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती की उपस्थिति में 20 जून 2023 से 5 दिवसीय विश्व कल्याण महायज्ञ शुरू किया गया है? तो यह है चंपावत के देवीधुरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जून 2023 को उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाएंगे? तो लीलावती राणा बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समर्थ पोर्टल शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो पहला, हायर एजुकेशन के लिए था, हमने पढ़ा भी लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम उत्तराखंड स्टेट फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई है? तो हल्द्वानी में, यानी गोलापार में, हल्द्वानी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो शालिनी सिंह बनी है, पहली एनसीसी कैडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनडीआरएफ का पहला पर्वतारोहण अभियान साहस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उत्तरकाशी, पर्वतारोहण के क्षेत्र में उत्तरकाशी, यानी निम्न नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, इसीलिए उत्तरकाशी। हाल ही में द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है उत्तराखंड के किस लिए? गोल्डन ईयर्स किसकी पुस्तक है बताने आप? तो रस्किन बॉन्ड जी। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा पैच सपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया, तो किसके लिए किया गया है? तो सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के। चलिए फटाफट रिवीजन, जिन्होंने ये पढ़ भी लिए हैं वीडियोस तो उनका भी रिवीजन हो जाएगा। टीबी रोग के खिलाफ लड़ाई निक्षय मित्र पहल के तहत 100% टीबी रोगियों को कवर करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु एक नया मंच प्रदान करने के उद्देश्य कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो समर्थ। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं तो सारे टाइप उसके हैं। मुख्यमंत्री द्वारा गंगा के प्रहरी ये पुस्तक का नाम बताना है का विमोचन किया गया, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ललित सौरी के द्वारा लिखी गई, गंगा के प्रहरी। उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो धनंजय मोहन जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देहरादून में आयोजित श्री अन्न महोत्सव 2023 में मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। उत्तराखंड के किस शहर में मॉडल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन हुआ है? तो रुद्रपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मशहूर फोटोग्राफर और एस्ट्रो विशेषज्ञ द्वारा एस्ट्रो वीक सम्मेलन कहाँ मनाया गया? तो चंपावत के लोहाघाट। नेक्स्ट, अमृतसर कोलकाता फ्रंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड में कहां पर 100 एकड़
1000 एकड़ पर औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है, तो किच्छा में होना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 में काशीपुर IIM की रैंक पूछ रहे हैं। अच्छा सा प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 में काशीपुर यानी IIM जो उत्तराखंड का है वो 19वीं रैंक में है, और सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान का दर्जा मद्रास IIT को, और सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली को, और सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, 9 से 10 जून 2023 को थाई भारत गौरव सम्मान मतलब थाईलैंड उत्तराखंड के किस प्राध्यापक को दिया गया, तो डॉक्टर जयश्री भंडारी हल्द्वानी, और भारतीय भाषा और संस्कृति के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए मिला है उन्हें। हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस मेले यानी महोत्सव को राजकीय मेला घोषित किया है, मतलब उत्तराखंड में चंपावत में गोलूदेव गोलजू महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जो दुबाचौड़ मैदान है चंपावत का, तो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इसको राजकीय मेला घोषित किया जाएगा करके, ये करंट भी आपको ध्यान रखना। तो ये था फटाफट 150 क्वेश्चन यानी पिछले 6 महीने के करंट अफेयर उत्तराखंड से संबंधित, और उत्तराखंडी करंट अफेयर से संबंधित जो कंप्लीट वीडियो हमारे आपके पास हैं यानी 9 जुलाई से पहले वीडियो के एग्जाम से पहले, इनको अच्छी तरह से रिवीजन करना है, और इसके अलावा जो ट्रेडिशनल हमारे सब्जेक्ट हैं उन पर बहुत ध्यान देना है आपने, बार बार रिवीजन करना है, घबराना नहीं है, और बहुत अच्छी तरह से इसको अंतिम रूप से सफलता की सीढ़ी तक जाना है आपने। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। जय हिंद, जय उत्तराखंड।